So guys, क्या हाल चाल है भाई। और वापस से आ चुका हूँ एक और तगड़ी वीडियो लेकर, जिसके अंदर कि हम 15,000 में आपको भाई टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताएंगे कि भाई ये वीडियो आप लोगों ने देख ली तो 15,000 के नीचे का बजट आप लोग का हो गया। 15,000 का ऐसा बजट है जहाँ पे ना बहुत से ऐसे स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे भाई ना कैमरा अच्छा होगा किसी में, ना बैटरी अच्छी होगी, ना डिस्प्ले अच्छी होगी, लेकिन तुम्हारा भाई बैठा है ना वो बताएगा कौन सा फोन अच्छा लेने लायक। और 15,000 का सारा किस्सा खुलासा आज होगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले बार चैनल को डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोन के साथ। बट देखो यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, थोड़ा ना भाई को सपोर्ट करा करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फोन के साथ। और सबसे पहला फोन हमारा भाई मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला भाई इस साल एक ऐसी कंपनी हो गई है जो भाई फोन्स की दुनिया के अंदर अलग ही राज कर रहे हैं। इनके सॉफ्टवेयर, इनका हार्डवेयर, इनके कैमरा भाई बजट के हिसाब से बहुत क्रेजी निकाल रहे हैं लोग। तो पहला स्मार्टफोन हमारे लिस्ट में मोटो G64, जो कि 14,000 के बजट में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, 6.5 इंच का इसमें आपको 120 हर्ट्ज का एक LCD पैनल मिल जाता है, जो कि IPS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यहाँ पे कलर जो है प्रोड्यूस काफी ज्यादा सही कर लेता है, कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं है। इवन अगर आप फोन को इन हैंड उठाओगे तो आपको पसंद आएगा। वैसे ये फोन हमारे हाथ में भी है, जैसे आप देखते हो ये रहा भाई वो G64 5G, एंड मैंने इस फोन को पर्सनली यूज करा। इस वाले फोन के बारे में इतना कुछ बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मोटोरोला इस वाले बजट के अंदर एक तो सबसे पहली चीज क्लीन सॉफ्टवेयर रहता है, कुछ फालतू के बोटवेयर नहीं आते। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 मिलता है, एक डिसेंट प्रोसेसर है, एंड्रॉइड गीग में सही निकाल लेता है। अगर आप नॉर्मल ऐसे हल्की फुल्की गेमिंग करोगे ठीक है, एंड डे टू डे टास्क पे आराम से निकाल लेता है। हमने अलग अलग चीजें करके देखी थी, आप देख सकते हैं यहां पे ऐप ओपनिंग भी मस्त आती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। बाकी देखो भाई मोटोरोला कैमरा के मामले में भी ना बहुत आगे निकल गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसके अंदर आपको जो डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर की 50 MP का मेन है और 8 MP का भाई अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इस बजट में कोई और फोन इतनी जल्दी से ऐसे सेंसर्स नहीं देता। और एक बार आप क्वालिटी देखो, आपको खुद पसंद आएगा कि भाई मोटोरोला ने सच में अच्छा काम किया है। अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करने का शौक रखते हो तो 1080p 30fps का वीडियो सपोर्ट मिलता है बैक साइड से, और साथ ही में फ्रंट से भी सेम सपोर्ट है। और ये फोन 5G है, और वैसे मैं जितने भी आपको फोन बताऊंगा सारे के सारे लिस्ट में 5G है, तो ये चीज ध्यान रखना ताकि आप फ्री का इंटरनेट का लुफ्त उठा पाओ। वैसे एक चीज मेरे दिमाग से निकली गई थी जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, चार्जर बॉक्स के साथ आता है, और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कवर भी मिल जाता है। मतलब मोटोरोला एक डिसेंट और एक अच्छा पैकेज दिया है। सेकंड फोन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा है रियलमी की तरफ से आने वाला P1। अब ये 16,000 रुपए का फोन है, लेकिन अगर आप ऑफर लगाओगे तो 15,000 के नीचे आपको देखने को मिल जाता है। और इस फोन के अंदर आपको ना थोड़ा से अलग सा DNA मिलता है। P1 सीरीज थोड़ी सी अलग निकाली है रियलमी ने, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो 6.67 इंच का आपको AMOLED 120 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। इसमें 14,000 में IPS LCD था ना, बट उसमें आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने के बाद AMOLED 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, जो कि भाई सच में क्वालिटी को आपके यहां से यहां ले जाएगा। और इसकी डिस्प्ले एरी गैरी भी नहीं है, 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दे देगी, जो कि भाई सही रहता है भाई आउटडोर आपको लाइक दिक्कत नहीं आएगी जब आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में फोन को यूज करोगे। बाकी फोन के अंदर IP54 की रेटिंग भी मिल रही है। वैसे मोटो के अंदर भी आपको स्प्लैश प्रूफ रेटिंग मिल जाती है। और अगर P1 के प्रोसेसर की बात करें, जो कि ताकत भाई असली क्या है इसके, तो इसमें मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050, जिसमें मैंने आपको बताया इस रेट में आपको 7025 मिलेगा, 7050 ही मिलेगा। इसी रेंज के आपको CPU इस रेट में मिलते हैं, ठीक है। और आपको डे टू डे लाइफ के अंदर वो कुछ ऐसी दिक्कत भी नहीं देंगे, बस वो ये कि भाई रेगुलरली जब आप काम करोगे, हैवी काम करोगे, तो स्लोनेस मिलेगी। वीडियो रेंडरिंग करोगे, फोटो रेंडरिंग करोगे ऐसे कुछ हैवी रॉ वाली, तो उसमें दिक्कत आती है। बाकी इसमें कैमरा भी आपको 50 MP का मेन मिल जाता है और 2 MP का डेप्थ मिल जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड होता तो और अच्छा लगता, बट यार मैं छोड़ देता हूँ साइड, क्योंकि भाई इसमें 120Hz की मस्त AMOLED डिस्प्ले भी तो है ना, थोड़ा ब्रांड्स को छोड़ देना चाहिए कभी। बाकी इसके अंदर वीडियो का सपोर्ट भी आपको 1080p 60fps तक का मिल जाएगा रियर कैमरा से, और फ्रंट में भी आपको 1080p 30fps तक का ही मिलेगा। मतलब ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट देखो यार करूंगा नहीं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो जिटरीनेस और लैग आएगा, तो बेटर ही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड फोन की तरफ। अब देखो यार 15,000 का सेगमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में, कि ना एक ऐसा सेगमेंट है कि ना यार आपको फोन ना बड़े चुनिंदा सर्च करने पड़ेंगे जो ना अच्छी चीजें आपको दें। इसी वजह से ये वाले फोन हमने ना थोड़ी मेहनत से ढूंढे था कि आपको ना बेस्ट चीज पर चले। अब जो थर्ड फोन है हमारा वो आता है वीवो की तरफ से, और ये है भाई T3X। ये फोन आपको 13,500 रुपए का मिल जाएगा। और बात करें इसकी लाइक ओवरऑल चीजों की, तो दिखने में तो वैसे ये फोन लाजवाब वीवो के थोड़े से डिफरेंट से रहते ही है ना। बाकी इसमें आपको 6.72 इंच का एक IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि 120Hz का है, तो स्मूथ रहेगा देखो। बाकी इसमें ना फ्रंट टच OS मिलेगा, फ्रंट टच OS थोड़े से ब्लोटवेयर के साथ आता है और ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, बट सच बताऊं मेरे को भी नहीं आता, ठीक है यार यूज कर सकते हैं। और मतलब मेरे को नहीं आता, क्योंकि ना मैं थोड़ा ज्यादा यूज्ड टू हो चुका हूं सैमसंग के UI से और लाइक हमारे मोटो की UI से, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसा है। मेरे को Xiaomi का भी सही लगता है, बट फ्रंट टच OS ने कभी-कभार वाली फील नहीं आती। बाकी डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस भाई 1000 निट्स तक चली जाती है, साथ ही में IP64 की आपको रेटिंग मिल जाती है, तो भाई इसको पानी वानी से थोड़ा कुछ ऐसा होगा नहीं ज्यादा, तो मतलब बढ़िया लगा यार ये भी देख के। और अगर बात करें कैमरास की, तो 50 MP का मेन कैमरा और 2 MP का डेप्थ आपको मिल जाएगा। और वीडियो के अंदर ये आपको 4K 30fps का ऑप्शन देता है इस बजट के अंदर, जो कि एक सच में अच्छी चीज है और आपको जल्दी से नहीं मिलता, मैंने आपको बताया था ना, बट ये दे देता है आपको। बट वो यार 4K वीडियो का थोड़ा सा क्रॉपिंग हो जाती है, इतना ज्यादा जूम फिर मजा नहीं आता, बट देख लेना आपको कैसा लगता है और एक बार जाके इसको चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो वीडियो के सेक्शन में ऐसा रहेगा। बाकी इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाएगी, तो बैटरी भाई अच्छी खासी बड़ी ही है, तो मतलब फोन मेरे को डिसेंट लगता है इस बजट के अंदर, आप लोग जरूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट फोन आता है वो है भाई रेडमी की तरफ से हमारा ये Note 13 5G। ये फोन आपको जिस बजट में मिल रहा है बहुत अच्छी चीज दे रहा है। पहले तो इसकी डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली है, एंड इवन जो इसका इन हैंड फील है ना फोन का बहुत लाजवाब है। फोन ना बहुत ज्यादा हल्का है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ था मैंने इस फोन को हाथ में उठाया था। वैसे अगर बात करें लाइक
स्पेसिफिकेशन की तो 6.67 इंच का आपको AMOLED 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब कलर्स प्रोड्यूस करता है और दिखने में सच में यार अच्छा फोन है। बाकी सेम वही 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगा, जो कि सच में बढ़िया रहेगी। मेरे हिसाब से मैंने फोन यूज करा तो मेरे को ना पर्सनली ये फोन अच्छा लगा था, डिजाइन काफी अच्छा लगा था। बट बात जब आती है इसकी प्रोसेसर की तो उसमें थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि इसमें डायमेंसिटी 6080। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोसेसर है, मतलब देखो इस रेट के अंदर आपको ऐसी मिलेंगे, मैं बताया था, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस ये दे देगा, बट ना कभी कोई ऐसा है कि कुछ कुछ जगहों पे ना ये पीछे हट जाता है, तो ये चीज है। बाकी इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर की 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा मेन, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मतलब अल्ट्रा वाइड डाला एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इनिशिएटिव लगा था मुझे, जो कि आपको 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड करके दे देगा। वही सेम चीज फ्रंट कैमरा में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और 5000mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी, जो कि चार्जर के साथ आएगी, मतलब इन द बॉक्स चार्जर आ रहा है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो फोन है MIUI के साथ आता है, और MIUI ना काफी रिफाइंड हो गया है भाई अब, और सच में पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ा फास्ट है, बट स्टिल आपको ब्लोटवेयर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐप जो इसमें मिलेंगी आपको वो खुद से जाके अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी। और अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के एंड सेक्शन के अंदर, जिसमें हम आपको लास्ट फोन बताएंगे अपना, और ये हमारा 5th नंबर पे फोन है। बेसिकली मैं नंबर वाइज रखता नहीं हूं, ऐसे टॉप 1 टॉप 2 कुछ नहीं था, बट स्टिल ये 5th नंबर पे आया तो इसलिए 5th बोल रहा हूं। तो यहां पे जो नेक्स्ट है वो है iQOO Z9X, अभी थोड़ा सा लेटेस्ट स्मार्टफोन, जिसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड ये जिस बजट में आ रहा है मेरे को सही लगा, अराउंड आपको 14000 रुपए मिल जाता है Amazon के ऊपर। इसमें आपको 6.72 इंच की IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज का ही होगा। अब IPS क्वालिटी ना जो सही रहती है, मतलब यार देखो अब इस बजट में आपको AMOLED जैसे 2 ही फोन्स मिल रहे हैं, और वो दोनों की AMOLED क्वालिटी सच में अच्छी, बट उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी ये भी IP64 की रेटिंग के साथ आ जाता है, और साथ ही इसमें आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिलता है, और इसमें लगाया गया 6th Gen 1 हमारा, थोड़ा सा ओल्ड प्रोसेसर आप कह सकते हो इस फोन को, बट ठीक है यार स्टेबल प्रोसेसर है, काफी सही परफॉर्मेंस देता है इस रेट के अंदर, और मतलब जो आप डे टू डे टास्क करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चल जाएगा। बाकी कैमरा की बात करें तो 50 MP का मेन है, 2 MP आपको इसमें डेप्थ मिल जाता है, बढ़िया सी डेप्थ क्वालिटी, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी इस फोन मिलता है 30fps तक का, तो काफी सही है। बाकी फ्रंट कैमरा आपको 1080p 30fps का वीडियो सपोर्ट देगा, और वही सेम हमारे 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफी बड़ी बैटरी हुई है। और आजकल मैं देख रहा हूँ इस बजट के अंदर हमारे को ज्यादातर 6000mAh की बैटरी मिलने लग गई है, जो कि मेरे सबसे काफी ज्यादा सही है, अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज इस बजट में लोग ना ज्यादा ऐसे हैवी यूजर होते हैं जिनको लंबे समय तक फोन चलाना है, और मेरे को सही लगता है 6000mAh होनी चाहिए फोन के अंदर। तो यार ये थे मेरे को टॉप 5 स्मार्टफोन जो मुझे बड़े पसंद आए, एंड अगर आपको पसंद आएगा डेफिनेट लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसी तगड़ी वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।